एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, तो यहाँ पे हमें जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ मतलब जो है खेती से जो होता है, खेती के बेसिस पर जो इंडस्ट्रीज़ होती है उसे जो हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। कॉटन टेक्सटाइल, जूट, सिल्क, वुलन टेक्सटाइल, सुगर, पेपर एक्सेट्रा आर इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम द एक्टिविटी बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे हमें बताया कि कॉटन टेक्सटाइल, जूट, सिल्क, वुलन टेक्सटाइल, सुगर, पेपर एक्सेट्रा, ये सब जो इंडस्ट्रीज है यह सारी जो है यहाँ पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो कि एग्रीकल्चर पर जो है यहाँ पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे हमें इसमें जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में बताया गया है। गारमेंट्स इंडस्ट्री हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द इंडस्ट्रियल इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हमें बताया कि जो गारमेंट इंडस्ट्रीज है यह जो है इंडियन इकोनॉमी के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी जाती है। एंड उसके बाद में यहाँ पे हमें आगे बताया गया है कि यह जो इंडस्ट्रीज होती है यह जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है 3.5 करोड़ लोगों को जो है यहाँ पे इम्प्लॉयमेंट देती है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है जो कि 3.5 करोड़ लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देती है। एंड उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ द इंडस्ट्री विच प्रोवाइड्स द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। इंडिया होल्ड सेकेंड रैंक आफ्टर चाइना इन द एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। इट इज़ द मेन इंडस्ट्री फ्रॉम प्रोडक्शन एंड द एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे हमें बताया कि यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है यह जो है सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। एंड उसके बाद में हमें बताया कि यहाँ पे चीन के बाद जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट करना जो होता है यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल वगैरह यह जो है सबसे ज़्यादा इंडिया करता है जो कि सेकंड रैंक पर है। एंड उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया कि यह इंडिया जो है यह इंडस्ट्रीज़ जो है इंडिया में यह जो है प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफ़ी मेन इंडस्ट्रीज मानी जाती है। तो यहाँ पे हमें आगे बताया गया है कि सबसे पहले जो है यहाँ पे कॉटन मिल जो है मुंबई में एस्टैब्लिश की गई थी। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है अहमदाबाद के जो है गुजरात में अहमदाबाद में जो है यहाँ पे शाहपुर मिल में कैलिको मिल्स वगैरह जो है शाहपुर में जो है एस्टैब्लिश की गई थी। एंड उसके बाद में यहाँ पे बताया हमें कि भी जो है काफ़ी सारी इस तरह से इसके जो कॉटन मिल्स वगैरह यहाँ पे जो है सबसे पहले मुंबई एंड अहमदाबाद में जो है एस्टैब्लिश की गई थी। एंड यहाँ पे जो है यहाँ पे चीप कॉटन यानी कि कम रेंज में जो है कॉटन वगैरह मिल जाता था, लेबर्स की अवेलेबिलिटी थी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ थी, पोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो है वह फेवरेबल मार्केट्स वगैरह यहाँ पे अवेलेबल था, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे काफ़ी सारी कॉटन मिल्स जो है एस्टैब्लिश की गई थी। एंड उसके बाद हमें बताया कि अभी जो है कॉटन टेक्सटाइल मिल्स जो है यह हमारी कंट्री में जो है 100 जितने सिटीज़ में यह मिल एस्टैब्लिश की हुई है। एंड यहाँ पे हमें बताया है कि यह जो है मुंबई, अहमदाबाद, भिवंडी, सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, इंदौर एंड उज्जैन वगैरह हमें जो अभी जो है प्रेजेंट में ट्रेडिशनली एंड इम्पोर्टेंट सेंटर माना जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमें बताया गया है कि मुंबई के महाराष्ट्र में जो कॉटन टेक्सटाइल की सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिलें वगैरह जो है एस्टैब्लिश हुई है, जिससे कि जो है उसे सूती कपड़े का यहाँ पे जो है मेन मार्केट कहा जाता है, कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया कहा जाता है उसे। एंड उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया कि उसके बाद में जो है कोल्हापुर, औरंगाबाद, जलगांव जैसे शहरों में भी जो है यह इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हुई है। उसके बाद गुजरात में अहमदाबाद में जो है अहमदाबाद को जो है ईस्ट का मैनचेस्टर्स ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया कि डेनिम सिटी ऑफ इंडिया भी जो है अहमदाबाद को मैनचेस्टर्स ऑफ द ईस्ट एंड द डेनिम सिटी ऑफ इंडिया भी यहाँ पे कहा जाता है। एंड उसके बाद में हमें बताया कि वडोदरा, कलोल, भरूच, सूरत और इस तरह से पोरबंदर, भावनगर वगैरह प्लेसेस पे भी जो है इन सब सिटीज़ में भी जो है यहाँ पे कॉटन मिल्स जो है वह एस्टैब्लिश की गई है। उसके बाद जो है तमिलनाडु के कोयम्बतूर वगैरह में इसका मेन सेंटर है। उसके बाद चेन्नई एवं मदुराई जैसे प्लेसेस पे भी जो है यह एस्टैब्लिश की गई है। एंड उसके बाद में हमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश जो है वहाँ के कानपुर, इटावा, आगरा, लखनऊ वगैरह जो है यह भी इसके मेन सेंटर माने जाते हैं। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के जो है इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन एवं देवास जो है यह भी इसके मेन सेंटर यहाँ पे माने जाते हैं जहाँ पे जो है कॉटन मिल्स एस्टैब्लिश हुई थी। उसके बाद में हमें बताया कि यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पे कोलकाता तथा जो है हावड़ा, मुर्शिदाबाद यह इसके मेन सेंटर है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा ये सभी प्लेसेस जो है जो कि सूती टेक्सटाइल कॉटन जो है यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल का जो है मेन इंडस्ट्रीज मानी जाती है। एंड उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया कि इन उद्योगों का जो है विकेंद्रीकरण करने वाले जो तत्व वगैरह है जो कि यहाँ पे मार्केट में वगैरह जो है बैंक फैसिलिटीज और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की फैसिलिटी जो है वह अवेलेबल हुई है।
और उसके बाद में हमें यहाँ पे बताया है कि टुडे द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज फेसिंग सो मेनी कॉम्पिटिशंस ड्यू टू द फैक्टर्स लाइक द इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ द बेस्ट वेराइटी ऑफ द कॉटन, यूज ऑफ ओल्ड मशीनरी, इरेग्युलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, कॉम्पिटिशन फ्रॉम द आर्टिफिशियल फाइबर्स एंड द क्लोथ इन द मार्केट एंड द कीन कॉम्पिटिशन इन द ग्लोबल मार्केट्स। तो यहाँ पे हमें बताया है कि टुडे जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन वगैरह फेस करने होते हैं, जिसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट होती है। उसके बाद में बताया कि इंडिया एक्सपोर्ट कॉटन टेक्सटाइल क्लोथ टू रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द अमेरिका, सूडान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस एंड द साउथ अफ्रीकन कंट्रीज। तो यहाँ पे हमें बताया कि इंडिया इन सब कंट्रीज़ में जो है, जैसे कि यहाँ पे अमेरिका, नेपाल, सूडान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह जो है, इन सभी प्लेसेस पे जो है इंडिया एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद में हमें यहाँ पे बताया गया है जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो अभी तक हमने जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखा था, अब हम यहाँ पे जो है जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानेंगे। जूट इज सेकेंड रैंक मेजर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हमें बताया कि जो मेजर इंडस्ट्रीज़ है इंडिया की, उसमें सेकेंड रैंक पर जो है जूट इंडस्ट्रीज़ मानी जाती है। इंडिया होल्ड द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ द जूट एंड द गुड्स मेड फ्रॉम जूट। इंडिया इज एट द सेकेंड प्लेस आफ्टर द बांग्लादेश इन एक्सपोर्ट ऑफ जूट। तो यहाँ पे हमें बताया कि बांग्लादेश के बाद जो है इंडिया सेकेंड कंट्री है जो कि जूट का एक्सपोर्ट करती है। ऑफ द टोटल जूट प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री, वेस्ट बंगाल प्रोड्यूसेस अबाउट द 80%। तो यहाँ पे हमें बताया कि जो टोटल यहाँ पे जो होता है प्रोडक्शन जूट का, उसमें जो है वेस्ट बंगाल में 80% जितना जो है यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, आंध्र प्रदेश में 10% जितना प्रोडक्शन जूट का होता है, एंड द रेस्ट प्रोड्यूस बाय द बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा, असम एंड त्रिपुरा। तो यहाँ पे हमें बताया कि बाकी का 10% जितना जो प्रोडक्शन है वह जो है यहाँ पे बाकी, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश वगैरह जो है वहाँ पे होता है। मच वाटर इज नीडेड इज प्योरीफाई जूट। तो यहाँ पे हमें बताया कि यहाँ पे जो है ज़्यादा वाटर की जो है नीड होती है। सो मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द हुगली रिवर। दिस इंडस्ट्री इज द कॉन्सेंट्रेटेड इन द वेस्ट बंगाल ड्यू टू द चीप लेबर फोर्स, बैंक्स एंड द इंश्योरेंस कवरेज, पोर्ट फॉर द एक्सपोर्ट फैसिलिटी एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमें बताया कि यह इंडस्ट्री जो है मोस्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल में जो है हुगली रिवर, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे वाटर्स की नीड ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से रिवर बैंक के आसपास जो है यह इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश की जाती है। जैसे कि यहाँ पे हमें बताया है कि वेस्ट बंगाल में जो है हुगली रिवर के वहाँ पे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज आई हुई है, एंड यहाँ पे हमें जो है लेबर फोर्स हो जाता है, चीप लेबर फोर्स हो जाता है, बैंक एंड इंश्योरेंस वगैरह की जो फैसिलिटी मिलती है एक्सपोर्ट वगैरह के लिए। टुडे द डिमांड फॉर द जूट हैज़ डिक्रीज बिकॉज ऑफ द अदर प्रोडक्शन इन पैकेजिंग मटेरियल फॉर द गुड्स। तो यहाँ पे हमें बताया कि पैकेजिंग मटेरियल्स के काफ़ी सारे गुड्स है, जिसकी वजह से अभी टुडे जो है अभी जो है यहाँ पे जूट की जो है काफ़ी सारी डिमांड जो पहले थी वह अभी डिक्रीज हो रही है। जूट इंडस्ट्री इज द फेसिंग सच प्रॉब्लम्स लाइक मोर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन एंड द डिक्रीजिंग डिमांड ऑफ जूट इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो यहाँ पे हमें बताया कि जूट इंडस्ट्रीज जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस कर रही है, जैसे कि यहाँ पे जो है इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, एंड जो है इंटरनेशनल मार्केट में जो है जूट इंडस्ट्री की डिमांड जो है वह डिक्रीज हो रही है। उसके बाद यहाँ पे हमें आगे जो है यहाँ पे सिल्क टेक्सटाइल मार्केट के बारे में बताया गया है। सिल्क प्रोडक्शन हैज अ लॉन्ग ट्रेडिशन। आफ्टर चाइना, इंडिया रैंक सेकेंड इन द वर्ल्ड इन द सिल्क प्रोडक्शन। इन इंडिया 4 टाइप्स ऑफ द सिल्क आर प्रोड्यूस। दिस आर मलबरी, एरी, तसर एंड मूंगा। तो यहाँ पे हमें बताया कि इंडिया में जो है यह काफ़ी जो है सिल्क इंडस्ट्री है काफ़ी लॉन्ग ट्रेडिशंस, इसका प्रोडक्शन जो है काफ़ी लॉन्ग ट्रेडिशंस माना जाता है। एंड उसके बाद में हमें बताया कि चाइना के बाद जो है इंडिया वर्ल्ड में सबसे जो है बड़ी कंट्री है सेकेंड रैंक पर, जो कि इसका जो है यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं। एंड उसके बाद हमें यहाँ पे बताया कि यहाँ पे सिल्क के जो है 4 टाइप्स होते हैं उसके प्रोडक्शन के, जिसमें फर्स्ट है मलबरी, इरी, टसर एंड मूंगा। टुडे देयर आर अबाउट 300 सिल्क वीविंग्स मिल्स इन इंडिया। तो यहाँ पे हमें बताया कि टुडे जो है यहाँ पे अभी 300 जितनी जो है सिल्क मिल्स जो है इंडिया में है। मेजर स्टेट्स प्रोड्यूसिंग लाइक सिल्क लाइक द
कर्नाटका, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब एंड जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे हमें बताया कि सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे सिल्क इंडस्ट्री जो है यह इसका प्रोडक्शन जो है सबसे ज़्यादा कर्नाटक, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब एंड जम्मू कश्मीर में ज़्यादा होता है। सिल्कन क्लोथ्स आर एक्सपोर्टेड टू यूरोप, अफ्रीका एंड द गल्फ कंट्रीज। तो यहाँ पे हमें बताया है कि सिल्क क्लोथ जो है यह सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है यहाँ पे यूरोप, अफ्रीका एंड द गल्फ कंट्रीज जो है वहाँ पे होता है। बिसाइड्स दिस आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड टू जर्मनी, सिंगापुर, यूएसए, कुवैत, मलेशिया एंड रशिया। इन इंटरनेशनल मार्केट इंडियन सिल्क इज फेसिंग ए टू कॉम्पिटिशन फ्रॉम चाइना। तो यहाँ पे हमें बताया कि इसके बाद जो है जर्मनी, सिंगापुर, यूएसए, कुवैत वगैरह कंट्रीज़ में जो है वहाँ पे भी जो है इस तरह से सिल्क जो प्रोडक्शंस वगैरह होता है उसका एक्सपोर्ट हमारी कंट्री से इन सब कंट्रीज़ में किया जाता है। एंड इंटरनेशनल मार्केट में जो है इंडियन सिल्क जो है वह काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है चाइना के कॉम्पिटिशन्स में। तो यहाँ पे हमें जो है इंडिया मेजर जो है उसका यहाँ पे आपको मैप बताया गया है। सेंटर ऑफ कॉटन, वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल। तो इंडिया में जो है कहाँ पर कॉटन क्लोथ, वुलन एंड द सिल्क टेक्सटाइल के जो सेंटर है वह आपको इस मैप में बताया है। नेक्स्ट है यहाँ पे वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। एज अ कॉटेज इंडस्ट्री, द हिस्ट्री ऑफ द वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज अ वेरी ओल्ड। मैक्सिमम वुलन टेक्सटाइल मिल्स आर इन पंजाब। तो यहाँ पे हमें बताया कि कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की हिस्ट्री देखिए तो उसमें जो है यह वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है काफ़ी ओल्ड मानी जाती है। एंड यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जो है मिल्स जो है वुलन टेक्सटाइल मिल्स ये जो है पंजाब में एस्टैब्लिश है। नेक्स्ट कम्स महाराष्ट्र, उसके बाद जो है महाराष्ट्र में आई हुई है। देयर आर वुलन टेक्सटाइल मिल्स इन द उत्तर प्रदेश ऑल्सो। उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में भी जो है वुलन टेक्सटाइल की काफ़ी सारी मिल्स है। अहमदाबाद एंड जामनगर इन गुजरात आर द सेंटर्स ऑफ द वुलन क्लोथेस। तो हम यहाँ पे हमें बताया कि अहमदाबाद एंड जामनगर जो है यह वुलन क्लोथ्स के जो है यहाँ पे सेंटर है गुजरात में। अदर मेजर सेंटर्स आर द बीकानेर एंड जयपुर इन राजस्थान, श्रीनगर इन जम्मू कश्मीर एंड द बेंगलुरु इन कर्नाटक। तो यहाँ पे हमें बताया कि अदर जो है काफ़ी सेंटर्स जैसे कि बीकानेर एंड जयपुर राजस्थान में है, श्रीनगर जो है जम्मू कश्मीर में वहाँ पे इसका सेंटर है, एंड बेंगलुरु जो कि कर्नाटक में है वहाँ पे भी इसका सेंटर है। इंडिया ऑल्सो प्रोड्यूस द वुलन कारपेट्स। तो यहाँ पे हमें बताया कि इंडिया जो है वुलन कारपेट्स भी जो है प्रोड्यूस करती है। वुलन क्लोथ इज एक्सपोर्टेड टू अमेरिका, कैनेडा, जर्मनी, फ्रांस, रशिया एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमें बताया कि वुलन क्लोथ जो है वह अमेरिका, कैनेडा, जर्मनी वगैरह कंट्रीज में जो है यहाँ पे वुलन का जो है वह एक्सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट है सिंथेटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। द क्लोथ मेड फ्रॉम द सिंथेटिक फाइबर्स मेड बाय मैन इज स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड डज नॉट रिमेन wrinkles, hence this industry has developed very much. The cotton fibers are mixed with the synthetic fibers to get the mix variety of the cloth. Main producers of this industry are the Kerala, Gujarat, Uttar Pradesh, West Bengal, Tamil Nadu, etc. Other centers are Surat, Kanpur, Mumbai, Ahmedabad, Kolkata, Chennai, मोदीनगर एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यह जो है सिंथेटिक टेक्सटाइल जो है यह मैन मेड है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, रिंकल्स नहीं होने की वजह से जो है इसका भी काफ़ी यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। एंड इसमें से जो है मिक्स्ड फाइबर्स जो है इसमें से मिक्स कपड़ा बनाया जाता है। एंड उसके बाद में हमें यहाँ पे बताया कि यह जो है मैन केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु में वगैरह जो है इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। एंड उसके बाद में जो है सूरत, कानपुर, मुंबई, अहमदाबाद वगैरह में भी जो है इसका प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है सुगर इंडस्ट्रीज। मेकिंग जैगरी फ्रॉम द सुगर कैन जूस इज वेरी ओल्ड इंडस्ट्री इन इंडिया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि शुगर कैन जूस में से जैगरी बनाने की जो इंडस्ट्री है वह इंडिया में काफ़ी ओल्ड इंडस्ट्रीज है। सुगर इंडस्ट्री स्टैंड सेकेंड आफ्टर टेक्सटाइल इन द एग्रीरियन इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो यहाँ पे हमें बताया कि एग्रीरियन जो है यहाँ पे इंडस्ट्रीज जो होते हैं जिसमें कि कॉटन टेक्सटाइल फर्स्ट है, एंड उसके बाद में जो है यहाँ पे सुगर कैन यह जो है यह सुगर इंडस्ट्री जो सेकेंड है।
आफ्टर रिपिंग द क्रॉप ऑफ द सुगर केन इट हैज़ टू बी स्क्वीज्ड विद इन द 24 आवर्स सो डैट द अमाउंट ऑफ वाटर इज नॉट रिड्यूस्ड अदरवाइज इट्स सुगर कंटेंट विल डिक्रीज एंड डैट इज़ वाई द सुगर फैक्ट्रीज आर लोकेटेड नियर द सुगर केन ग्रोइंग सेंटर्स. सुगर फैक्ट्रीज आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात एक्सेट्रा. द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट इन इंडिया एट द इन गुजरात एट द बारडोली, गणदेवी, सूरत, नवसारी, व्यारा, भरूच, कोडिनार एंड तलाला गिर. तो यहाँ पे हमें इससे बताया कि इसमें से जो इसका निचोड़ होता है, जिसमें से जो यहाँ पे गन्ने का जूस निकलता है, तो वह जो है यहाँ पे सूख ना जाए, इसके लिए जो है वह डिक्रीज ना हो जाए उसका कंटेंट, इसके लिए जो 24 आवर्स में जो है इस पर प्रोसेस की जाती है. इसीलिए इसको जो है जहाँ पर इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है उसके आसपास जो है यह फैक्ट्रीज लोकेटेड होती है. तो यहाँ पे हमें बताया कि यह जो है महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात जैसी जगह पर जो है सुगर इंडस्ट्रीज है. एंड गुजरात में जो है बारडोली, गणदेवी, सूरत, नवसारी, भरूच वगैरह जो है इन सब जगह पे सुगर इंडस्ट्रीज जो है वह आई हुई है. नेक्स्ट है पेपर इंडस्ट्रीज. पेपर इज मेड आउट ऑफ द सॉफ्ट वुड, बम्बू, ग्रास एंड द मोलसेस एक्सेट्रा. तो यहाँ पे हमें बताया कि पेपर जो है यह सॉफ्ट वुड, बम्बूज एंड द ग्रास, मोलसेस वगैरह जो होते हैं उन सब में से बनता है. इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, हरियाणा एक्सेट्रा. तो यहाँ पे हमें बताया कि यह जो है यह आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक, गुजरात वगैरह जो प्लेसेस है, हरियाणा वगैरह, इन सभी प्लेसेस पे जो है इसका प्रोडक्शन होता है.